और अब आपको दिखाते हैं हैकर्स का हैरतअंगेज कारनामा। अमेरिका के कई बड़े लोगों के ट्विटर अकाउंट हैक कर लिए गए हैं। हैकर्स ने जिनके ट्विटर अकाउंट को हैक किया उनमें माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स भी हैं, टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क हैं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन सहित इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, वॉरेन बफेट, एप्पल और उबर समेत अन्य के ट्विटर अकाउंट को भी हैक किया गया है। साइबर अटैक का हैरत करने वाला नया मामला सामने आया। ताज़ा मामले में अमेरिका की कई नामी हस्तियों के ट्विटर अकाउंट हैक किए गए। इनमें अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, राजनेता जो बिडेन, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, जेफ बेजोस सहित एप्पल के कई और अहम अकाउंट शामिल हैं। साइबर हमलावरों ने ट्विटर हैंडल हैक करने के बाद इस पर एक खास तरह के मैसेज पोस्ट किए। संदेश से स्पष्ट है कि क्रिप्टो करेंसी स्कैम के मकसद से हमलावरों ने ऐसा किया। हालांकि थोड़ी देर बाद मैसेज डिलीट कर दिए गए। ट्विटर अकाउंट हैक करने वाले ने मैसेज में एक लिंक डालकर बताया कि इस पर बिटकॉइन का लेन देन किया जा सकता है, आप हमको 5000 बिटकॉइन देने वाले हैं। जानकारी के बाद वेबसाइट के डोमेन को कैंसिल किया गया। अमेज़न के को फाउंडर जेफ बेजोस और बिल गेट्स के ट्विटर हैंडल हैक करके भी इस तरह के पोस्ट किए गए। बिल गेट्स के अकाउंट से ट्वीट में कहा गया कि हर कोई मुझसे वापस लौटाने के लिए कहता है, अब वो समय आ गया है, आप मुझे $1,000 भेजिए, मैं आपको $2,000 वापस करूंगा। इसके बाद पुराने ट्वीट को डिलीट करके एक नया ट्वीट किया जाता है। इसमें $1,000 भेजने पर सिर्फ 30 मिनट में $2,000 वापस देने की बात कही गई है। वहीं एप्पल के अकाउंट से लिखा गया कि हम अपने लोगों को कुछ देना चाहते हैं, उम्मीद है कि आप भी सपोर्ट करेंगे, आप जितने भी बिटकॉइंस भेजेंगे उन्हें डबल करके लौटाया जाएगा, ये केवल 30 मिनट के लिए है। अमेरिका की राजनीति से जुड़े कई बड़े नामों के ट्विटर हैंडल को हैक करके भी इस तरह के पोस्ट किए गए हैं। इसमें बराक ओबामा और जो बिडेन का नाम भी शामिल है। इस तरह के ट्वीट कुछ समय बाद कई कंपनियों के हैंडल से होने लगे। एप्पल, उबर और कई और कंपनियों के अकाउंट से भी बिटकॉइन स्कैम की कोशिश की गई है। अगर आप भी ट्विटर पर हैं तो सावधान हो जाइए, आपके अंदर भी अपने अकाउंट को सुरक्षित रखने के विचार पड़ रहे होंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। यूजर को एक 10 कैरेक्टर्स का मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। पासवर्ड सेट करते समय कीबोर्ड के अपर केस, लोअर केस, नंबर और सिंबल का इस्तेमाल करें। यूजर को हर सोशल मीडिया अकाउंट के लिए अलग पासवर्ड बनाएं। पासवर्ड क्रिएट करते वक्त पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे फोन नंबर्स, बर्थडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यूजर को पासवर्ड बनाते समय डिक्शनरी वर्ड का यूज नहीं करना चाहिए। पासवर्ड बनाते समय सीक्वेंस नंबर जैसे ABCD 1234 का इस्तेमाल न करें। वेरिफिकेशन के बाद इन वन टाइम पासवर्ड का यूज करते सिक्योरिटी लेयर को बढ़ा सकते हैं। पासवर्ड रिसेट के लिए ईमेल और फोन नंबर जरूर ऐड करें। ट्विटर पर संदिग्ध लिंक को क्लिक करने से बचें। किसी थर्ड पार्टी को यूजर नेम और पासवर्ड न दें। लॉग इन करते वक्त URL को एक बार फिर क्रॉस चेक जरूर करें। हमेशा twitter.com या फिर twitter.com/login पर लॉगिन करें। इस घटना के बाद ट्विटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर किस कमी की वजह से इतने बड़े नामों के भी ट्विटर हैंडल्स हैक हो गए? इसका मतलब ट्विटर में कोई ऐसा लूपहोल है, इसके चलते किसी की भी निजता सुरक्षित नहीं है। अगर ऐसा कोई लूपहोल है तो उस पर काम करने की जरूरत है। स्पेशल डेस्क, 2B न्यूज़।